हेलो गाइस, आपका मेरे चैनल स्मार्ट स्टडी में स्वागत है। आज हम क्लास सेवन्थ का इंग्लिश का जो आप लोगों का एग्जाम होने वाला है उसके क्वेश्चन पेपर और आंसर की को देखेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके अंदर आपको मेरे चैनल पर सभी सब्जेक्ट की आंसर की मिल जाएगी, आप वहां से मार्क्स अपने चेक कर सकते हैं। तो देखते हैं, पहले सेक्शन ए है जिसके अंदर रीडिंग दिया गया है, रीडिंग का दिया गया, और ये जो जमनू वाला चैप्टर है उसमें से लिया गया। तो पैराग्राफ रीड नहीं करते, सिर्फ क्वेश्चन रीड करते हैं। द पंचायत और इवनिंग शिफ्ट वाले बच्चे स्पेशली इसको देखे, क्योंकि इसी से रिलेट करते हुए क्वेश्चन आएंगे तो आपको समझने जरूरी है। द पंचायत वॉज हेल्ड इन डैश अंडर अ ट्री, जो पंचायत थी वो कहां पे बैठी गई थी? तो देखो लिखा गया इवनिंग अंडर अ बनियन ट्री, तो डी जो बी ऑप्शन है वो यहां पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड में, देखो क्या कहा गया है। द पंच नोज नाइदर फ्रेंड और नो एनिमी, जो पंच है वो क्या होते हैं, फ्रेंड भी नहीं होते और एनिमी भी नहीं होते। क्वेश्चन नंबर थर्ड, हु वाज नॉमिनेटेड एज ए हेड ऑफ पंच बाय हुम, किसको एज ए पंच चुना गया था और किसने चुना था? तो अग्लू को क्या चुना गया था, पंच चुना गया था, और किसने चुना था, बाय ओल्ड लेडी द्वारा, क्या हुआ था, अंत द्वारा वो चुना गया था। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर फोर, said that the voice of the punch is the voice of goat, किसने कहा था, ये कहा था कि अग्लू सॉरी जुम्मन आंट, ये आ जाएगा जुम्मन आंट, उसकी आंट ने कहा था कि the voice of the punch is the voice of the goat, की जो goat की जो punch की आवाज है वो भगवान की आवाज होती है। उसके बाद क्या कहा गया है, क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं फिफ्थ, the synonymous of the word of announce, announce का synonymous मतलब कि पर्यायवाची वाच्य हमें बताना है, तो पर्यायवाची देखो अनाउंस मतलब कि डिक्लेयर करना, नोटिफाई करना, तो यहाँ पे ये आंसर क्या है, यहाँ पर सही हो जाएगा, ए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। सेकंड यहाँ पे स्टोरी दी गई है, ब्रदर टू भाई जो आपस में लड़ते थे और उनके फादर ने, नहीं नहीं एक्चुअली स्टोरी दी गई है रोहन और जितेश के जो अच्छे फ्रेंड्स थे, फॉरेस्ट जा रहे थे, मंकीज आ गए थे, डर गए थे, लेकिन उन्होंने किसी तरह से उसको वहां से भगा दिया था। तो देखो क्वेश्चन में क्या कहा गया, फर्स्ट में व्हाट वाज द नेम ऑफ द बोथ फ्रेंड, तो जितेश एंड रोहन, सी आंसर यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, बोथ द फ्रेंड्स आर, दोनों फ्रेंड्स कैसे थे, ऑनेस्ट थे, इंटेलिजेंट, सब कुछ जो पैराग्राफ है उसमें दिया गया है, तो देखो यहाँ पे साफ दिया गया है, एक बार हम देख भी लेते हैं। देखो फ्रेंड कैसे थे, यहाँ पे साफ लिखा गया ऑनेस्ट एंड इंटेलिजेंट, तो सेकंड का आंसर यहाँ पे हो जाएगा डी की ऑनेस्ट एंड इंटेलिजेंट। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं क्या कहा गया, क्वेश्चन नंबर थर्ड में द ट्री वर, वहां पे जो वो फॉरेस्ट जा रहे थे तो ट्री वर टॉल एंड लीफी ब्रांचेस, तो ए आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर फोर्थ में देखते हैं, On seeing the dash, both our friend become, जब दोनों ने क्या देखा, monkeys देखा, both friends are क्या हो गए थे, afraid हो गए थे, डर गए थे, सी आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ में देखते हैं, by then dash they get rid of dash, तो देखो क्या है, by their intelligence, उनकी intelligence से they get rid from, वो किससे बच पाए थे, monkeys से बच पाए थे, डी आंसर यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या कहा गया है, प्रिंसिपल टू योर स्कूल चेंज द सेक्शन, सेक्शन चेंज करने की आपको एप्लीकेशन लिखनी थी, तो बहुत ईजी होता है, फॉर्मेट आपको पता होना चाहिए और उससे रिलेटेड आपको क्या करना था, इसमें एप्लीकेशन लिखनी थी, राइट अ पैराग्राफ ऑफ माई मदर, माई मदर को लेके आपको क्या लिखना था, पैराग्राफ लिखना था 60-80 वर्ड्स में। तो इसी तरह की एप्लीकेशन और इसी तरह का एसे आपके एग्जाम में आएगा, तो उसकी अच्छी सी तैयारी कर लीजिए आप लोग। यहाँ पे आपको क्या करना था, विजुअल टेटर्स करके आपको ये देखकर आपको यहाँ पे क्या करना था, एक स्टोरी राइट करनी थी इन वर्ड्स का यूज करते हुए। नेक्स्ट देखते हैं, अब यहाँ पे ग्रामर का पोर्शन दिया गया है, देखो क्या कहा गया है, वर्मन मार्क्स के हैं, आई हैव अ लिटिल डॉग, मेरे पास क्या है, एक लिटिल डॉग है। नेक्स्ट देखिए क्या कहा गया है, आई गो फॉर डैश वॉक डेली, मैं क्या करता हूं, आई गो फॉर अ डेली वॉक, आई गो फॉर अ वॉक डेली, ठीक है, या अभी जो आंसर कर रही हूँ ना ये बहुत जल्दी में बनाया जाता है, इसके जैसे ही ऑफिशियल आंसर की आएगी मैं उसके साथ में भी आप अपने आंसर मैच कर लीजिएगा। नेक्स्ट देखिए क्या कहा गया, क्वेश्चन नंबर थर्ड में, दे गेव मी मैनी बुक्स, उन्होंने मुझे क्या दी, बहुत सारी बुक दी, दे गेव मी मैनी बुक्स। नेक्स्ट देखिए, अभिज्ञा इज एन ऑनेस्ट गर्ल, कैसे आ जाएगा, अभिज्ञा इज ऑनेस्ट, ओ की साउंड आ रही है ना इसलिए ऑनेस्ट गर्ल आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर फिफ्थ में, रोहन डैश अ डिलीशियस केक यस्टरडे, तो रोहन ने यस्टरडे बनाया तो कुक्ड आ जाएगा, रोहन कुक्ड, सेकंड फॉर्म लग जाएगी, रोहन कुक्ड अ डिलीशियस केक यस्टरडे। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या करना है, हमको सुपरलेटिव डिग्री और कंपैरेटिवली डिग्री लिखनी है, तो देखो फर्स्ट में क्या आ जाएगा, होट होटर, यहाँ पे क्या आ जाएगा, होट होटर होटेस्ट, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्या है, स्लो, नेक्स्ट में क्या लिख देंगे हम, स्लो स्लोअर स्लोएस्ट, मच मोर एंड मोस्ट आ जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट देखिए, गुड बेटर, हम यहाँ पे लिख देंगे बेटर, गुड बेटर एंड बेस्ट आ जाएगा, लॉन्ग लॉन्गेस्ट एंड लॉन्ग लॉन्गर एंड लॉन्गेस्ट, हम यहाँ पे लिखेंगे लॉन्ग लॉन्गर, ये इसका आ जाएगा यहाँ पे, लॉन्ग लॉन्गर एंड लॉन्गेस्ट, इस तरह से आपको लिखने थे, आपको एनी फोर करने थे, तो मैंने पांचों ही करवा दिया, आपको जो भी ठीक लगेगा आप कर दीजिएगा और अपना आंसर मैच कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए क्या कहा गया है,
नेक्स्ट यहाँ पे कॉलम में क्या अपोजिट वर्ड्स के साथ में मैच करना है, तो आइए करते हैं इसको। आपको क्या करना है, अपोजिट वर्ड्स के साथ में मैच करना है। तो फर्स्ट अ हैवी बोर्ड, तो हैवी का अपोजिट क्या हो जाएगा, लाइट। तो यहाँ पे ये जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, फर्स्ट का आंसर आ जाएगा। हम यहाँ एक सेकेंड, हम यहाँ पे लिख सकते हैं ये क्या हो जाएगा, फर्स्ट का आंसर। सेकेंड देखिए, फेक न्यूज मतलब कि झूठी न्यूज, तो क्या हो जाएगा, ट्रू। तो ये हो जाएगा बी का सेकेंड का आंसर हो जाएगा। थर्ड में क्या कहा गया, स्मार्ट बॉय, तो क्या स्मार्ट का अपोजिट क्या हो जाएगा, स्टूपिड। तो ये हो जाएगा थर्ड का आंसर, बहुत ही आसान था। द बैड एक्सपीरियंस, तो क्या हो जाएगा, गुड एक्सपीरियंस। तो फोर्थ का आंसर ये हो जाएगा, अ गुड एक्सपीरियंस। ये आपको मैच करने थे, तो बहुत ही आसान थे, बिल्कुल मुश्किल नहीं थे, आपने इजिली कर भी लिए होंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन क्या कहा गया। फिलिंग द ब्लैंक, करेक्ट वर्ब के साथ आपको क्या करना है, इसको वर्ब के साथ आपको क्या करना है, इसको कंप्लीट करना है। तो देखो क्या कहा गया, राम एंड श्याम ऑलवेज प्ले टूगेदर, क्या आ जाएगा, ऑलवेज प्ले टूगेदर, वो हमेशा साथ में ही खेलते हैं, इसमें कुछ चेंज नहीं होना। ही हैज जस्ट कंप्लीटेड, तो क्या लग जाएगा, ई के बाद डी लग जाएगा, आप इस तरह से लिख देंगे इसको, ही हैज कंप्लीटेड। ठीक है, ईडी लग जाएगा, चलो मैं वहीं लिख देती हूँ आपको, एक मिनट। यहाँ पे हम लिख देंगे प्ले, एक सेकेंड, हम यहाँ लिख देंगे प्ले, यहाँ हमने लिख दिया कंप्लीटेड। ठीक है, ईडी लग जाएगा यहाँ के आगे, डी लग जाएगा। ठीक है, उसके बाद बर्ड्स इन द एयर, बर्ड्स आर फ्लाइंग, क्या हो जाएगा, बर्ड्स आर फ्लाइंग इन द एयर, बर्ड्स आकाश में उड़ रहे हैं। आई डैश अ मूवी यस्टरडे, मैंने कल एक मूवी देखी थी, तो वॉचड आ जाएगा यहाँ पे, क्या आ जाएगा, वॉचड आ जाएगा, ईडी लग जाएगा पीछे। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये कंप्लीट करना था। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर, फिर आपके क्या कहा गया, लिटरेचर से दिया गया है, और इसके आपको क्वेश्चन आंसर को सॉल्व करना था। तो देखो क्या कहा गया, फर्स्ट क्वेश्चन में व्हाट वाज एवरी हाउस होल्डर टॉकिंग अबाउट, सारे जो हाउस होल्डर थे किसके बारे में बात कर रहे थे, तो हिल्सा फिश आ जाएगा यहाँ पे, हिल्सा फिश लिख देना है आपको। ठीक है, फर्स्ट का आंसर यहां से देखो, ये देख सकते हैं। सेकंड, द प्राइस ऑफ द हिल्सा फिश हैज डाउन टूडे, क्या है, द प्राइस ऑफ द हिल्सा फिश डाउन टूडे, तो क्या हो रहा है, कम हो रहा है उसका, तो डाउन टूडे, ये हो जाएगा सेकंड का आंसर। ठीक है, थर्ड क्या है, क्या कहा गया थर्ड में देखते हैं, द कंट्रीज वर नॉट टॉकिंग अबाउट द हिल्सा फिश, देखो ऊपर ही कहा गया कि बातें कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखो कंट्रीज को डिस्कस नथिंग बट हिल्सा फिश, कुछ बात नहीं कर रहे इस हिल्सा फिश के अलावा, तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, ट्रू फॉल्स बताना था, गलत स्टेटमेंट हो जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे क्या कहा गया, ट्री और जो आपका चैप्टर है उसमें से ये जो स्नाजो है लिया गया है, और उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। सो तो देखते हैं पहले फर्स्ट क्वेश्चन में, देखो क्या कहा गया है यहाँ पर, सेकेंड क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या कहा गया, नेम द पोएम एंड पोएट इन द गिवन स्टाजो, तो कौन सा पोएम है, ये ट्री है बाय द स्लिबर्स, सी आंसर यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन सेकेंड में क्या कहा गया है, ट्री गिव अस डैश टू ब्लो थ्रोट, तो क्या होगा, ट्री गिव अस विंड टू ब्लो थ्रोट, बी आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड में देखते हैं, ट्री आर मेक ट्री हाउस इन, व्हाट मीनिंग डज दी हाउस एक्सप्रेस, क्या यहाँ पे कर रहा है, अ स्मॉल शेल्टर बिल्ड अ ट्री। तो आप इन क्वेश्चन के अलावा सैंपल पेपर आपको मेरे चैनल पर मिल जाएंगे, तो उससे रिवीजन कर सकते हैं, बहुत अच्छी तैयारी होगी। आप लोगों को मैं बता देती हूँ कि एग्जैक्ट ऐसा पेपर नहीं आएगा, हाँ क्वेश्चन रिपीट होने के चांसेस है, पैटर्न आप लोगों का एग्जैक्ट यही रहने वाला है, सैंपल पेपर में से तैयारी कर सकते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब हम क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, जो 30-40 वर्ड्स में है, यहाँ पर आपको 4 क्वेश्चन करने थे, 5 क्वेश्चन दिए गए थे, तो ये क्वेश्चन एक एक करके हम इनके सबके इकट्ठे ही आंसर देख लेते हैं। आप पांचों क्वेश्चन अच्छे से रीड कर लीजिए और उनके आंसर हम अभी देखते हैं कि इन पांचों के आंसर क्या होने चाहिए। तो आइए देखते हैं इनके आंसर। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन का है, दीज 3 क्वेश्चंस पूछे गए थे, उसके बाद सेकंड में बिकॉज एवरीवन वाज टॉकिंग अबाउट हिल्सा फिश, थर्ड में देखिए गोपाल वर रैग्ड क्लोथ, फोर्थ का आंसर हो जाएगा इट शो बैड मैनर, एंड फिफ्थ का हो जाएगा द पोयम ट्री से लिया गया है। तो अच्छे से तैयारी करिए और अच्छे से मार्क्स लेके आइए। थैंक यू गाइस।